हेलो आज हमारे जो शहीद हैं उनकी वीर बलिदानियों के याद में और आज जो हमारी स्वतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है ताकि हमारे भारत का पूरी दुनिया में नाम हो और हमारे तिरंगा जो ध्वज है उसका सम्मान हो और बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि हो। तो पूरे देश में तिरंगा यात्रा के द्वारा हमारे वीर शहीदों का नमन किया जा रहा है। उसी कड़ी में हमने भी एक फोन के बुलावे पर यहाँ एक ये तिरंगा यात्रा की है। सिर्फ दो दिन की मेहनत से फोन से करने के बाद भी हमारे साथियों ने, हमारे युवा साथियों ने इतना प्यार दिया है, मैं हार्दिक दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूं और सबको पुनः मुबारकबाद देता हूं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। मर्जी आज जो युवा आ रहे हैं, आपने कितनी आस लगाई थी इतने युवा आ जाएंगे या उन तबड़ के है? मैंने जो आस लगाई थी हमारा प्यार है, सबको फोन के द्वारा ही हमारे इतने युवा साथी आए हैं। यदि हम और ज्यादा मेहनत करते और काफी 200-300 साथी हमारे बीच में रास्ते में हैं, एक दो जगह जाम लग रहे हैं, तो बहुत बड़ी हमारी युवाओं की संख्या है और हमारे इलाके का पूरे हलके का प्यार है ये। मैं इनका तहे दिल से, हार्दिक दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ देर पहले एक युवा से बात करी तो उनने 1 जनवरी तक बस लगाने की बात करी है और जो महिला है जिसने जिस तरह डिलीवरी हो है तो उन खातर भी आपने की कुछ सुविधा? 1 जनवरी से हमारे पूरे इलाके में जो हमारी बहनें स्कूल विद्यालय कॉलेज और ITI और एकेडमी में जाती हैं तो बसों की बड़ी दिक्कत है, तो हम 1 जनवरी से हमारी बहनों के लिए फ्री बस चलाएंगे ताकि हमारी बहनों के लिए दिक्कत ना हो। और जब काफी बार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या गरीबी के कारण या समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण तो हमारी बहनों को काफ़ी दिक्कतें होती है, तो डिलीवरी के लिए हम 15 मिनट में हर घर में जहां भी दिक्कत होगी गाड़ी की व्यवस्था करेंगे, फ्री डिलीवरी कराएंगे, चाहे ऑपरेशन से हो चाहे नॉर्मल हो, उसके लिए भी हम फ्री व्यवस्था करेंगे हमारी बहनों के लिए।
कहना चाहोगे आज जो तिरंगा यात्रा इसके बारे में? बोल भाई। तिरंगा यात्रा के बारे में, देश के आन बान शान की तिरंगा यात्रा है, शहीदों के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा है। आज पूरे हल्के से मास्टर रशीद सतपीर रतेरा जी को इतना प्यार मिल रहा है, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? जन सेवा के लिए जनता के अंदर रहते हैं, जन सेवा में तत्पर रहते हैं, इसीलिए जनता जो जनता के दुख तकलीफ में साथ रहता है उससे प्यार देती है जनता। जी धन्यवाद सर।